हेलो फूडीज़, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो चलिए आज एक झटपट गाजर मूली के अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है, तो ये तो नहीं कहूँगी कि ये बहुत दिन तक रख के खाया जा सकता है, लेकिन 3-4 महीने आप इसको स्टोर करके आराम से खा सकते हैं। इसका टेस्ट फ्रेश ही अच्छा लगता है, तो इसको 1-2 साल के लिए मत बनाइए, थोड़ा बनाइए और ख़त्म करिए और फिर से दोबारा से बना लीजिए। तो सबसे पहले तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, हमारी रेसिपी को लाइक और शेयर कर दिया करिए अपनी फ्रेंड्स के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाजर मूली का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अचार की रेसिपी। तो इस अचार को बनाने के लिए हमने एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है और इसमें हमने 1/2 चम्मच मेथी दाना डाला है और साथ ही हमने यहाँ पर 10 से 12 काली मिर्च के दाने डाले हैं। इसके साथ ही हमने 1 घरेलू चम्मच से काली सरसों ली है और उसके साथ ही हमने यहाँ पर 1.5 चम्मच पीली वाली सरसों ली है। इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है, प्लस टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इनको हल्का सा 2 से 3 मिनट तक स्लो मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। इसके साथ ही हम यहाँ पर 1 छोटा चम्मच जीरा ले रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा क्रैकल हो जाने देंगे। अब हमने यहाँ पर 1.5 चम्मच मोटी सौंफ ली है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो ज़रूर से डालिए। इसमें से जो मसाले यदि आप पसंद नहीं करते हैं तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर जब हमारी सौंफ हल्की सी भुन जाएगी तो हम यहाँ पर 1/2 चम्मच अजवाइन का प्रयोग करेंगे और जब अजवाइन भुन जाएगी तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और 1/2 चम्मच कलौंजी डालेंगे। कलौंजी को बहुत ज़्यादा देर पकाना नहीं है, बस इनको ठंडा करेंगे और मोटा मोटा हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब इसी पैन में हम यहाँ पर 1/2 कप सरसों का तेल लेंगे और उसको तेज़ हीट पर खूब अच्छे से गर्म करेंगे, इतना गर्म करेंगे कि इसमें धुआं आ जाए और फिर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जब तेल का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तब इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। तेज गर्म तेल में हमको कोई भी प्रोसेस आगे नहीं करना है। तो अब हमने यहाँ पर 2 गाजर ली हैं, साथ में हमने 1 मूली ली है और थोड़ा सा हम चुकंदर का यूज़ करेंगे। इसके साथ ही हमने हरी मिर्च और अदरक ली है। ये जो सब्जियां हैं आप अपनी हिसाब से मात्रा इनकी घटा या बढ़ा सकते हैं। और इनको गाजर और मूली और चुकंदर को हमने जैसे फिंगर चिप्स काटे जाते हैं, फिंगर फ्राइज, उस तरीके से काट लिया है। आप चाहें तो राउंड या छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। हमने मिर्च को बीच से चीरा लगा के इनको काट लिया है। और हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि सभी सब्जियों को धो के अच्छे से सुखा लीजिए, पानी का अंश नहीं रहना चाहिए। थोड़ी देर कपड़े पर फैला दीजिए जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो बिल्कुल उड़ जाए और आपकी सब्जियां जो है सूखी रहे, तो ज़्यादा फ्रेश और बढ़िया अचार रहेगा और थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। तो देखिए हमारी सारी सब्जियां तैयार हो गई हैं। मिर्च और अदरक का फ्लेवर अच्छा आता है तो अच्छे से डालिएगा और इसके साथ ही यदि आप चाहें तो इसमें लहसुन भी आप डाल सकते हैं। तो देखिए तेल जो है हमारा धुआं देके थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया है, हमने गैस की फ्लेम को फिर से ऑन कर दिया है। और इसके साथ ही जो ये मसाला हमने भून के रखा था इसको मोटा मोटा कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। ध्यान रखिएगा मसाले को कोर्सली ही ग्राइंड करना है, महीन मसाला पीस के तैयार नहीं करना है। अब तेल गरम हो जाएगा तो देखिए इस तरीके का कुछ मसाला हमने तैयार कर लिया है। अब इसमें हमने 1 छोटा चम्मच हींग डाला है। हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो ज़रूर से डालें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसके साथ ही जैसे ही हम हींग डालेंगे इसमें हमने सारा अपना मसाला जो हमने पीसा था वो ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। और गैस की फ्लेम को जो है धीमा ही रखिएगा। 1 छोटा चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाला है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इनको लगातार चलाते रहिए, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। और इसके साथ ही हम यहाँ पर नमक का यूज़ करेंगे। नमक अच्छी मात्रा में डालिएगा, नमक थोड़ा सा तेज ही रहता है तो नमक स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने 1.5 चम्मच बड़े चम्मच अमचूर पाउडर या खटाई, जिसको आम की खटाई कहते हैं, वो ऐड की है। पहले से थोड़ा सा कम मात्रा में डालिएगा, फिर धीरे से चख के आप अपने स्वाद अनुसार इन मसालों की मात्रा, जैसे अमचूर या नमक की मात्रा, घटा या बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जैसा आप पसंद करते हैं। इनको सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम जो है गैस की फ्लेम को अभी थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देंगे, वरना हमारे मसाले जल भी सकते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर जो है सफ़ेद विनेगर को भी यूज़ करेंगे खटास के लिए। आप चाहें तो जो नॉर्मल हम लोग घरेलू छिरका या सिरका बोलते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हमने यहाँ पर वाइट विनेगर का यूज़ किया है, आसानी से मार्केट में मिल जाता है। तो 2 बड़े चम्मच हमने यहाँ पर सफ़ेद सिरके का यूज़ किया है खटास के लिए और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कलर के लिए आप यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा सा कलर आता है, अचार देखने में बहुत ही सुंदर लगता है।
इसके साथ ही यदि आप थोड़ा और तीखा पसंद करते हैं, वैसे हमने हरी मिर्च डाली है प्रॉपर, तो आप यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो लीजिए, हमने थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। अब गैस की फ्लेम को दोबारा से ऑन कर लेंगे और इसके साथ ही जो हमने अपनी सब्जियाँ काट के रखी थी, चुकंदर, हरी मिर्च, गाजर, मूली और अदरक, इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से चला लेंगे। 2 से 3 मिनट तक गैस की फ्लेम को मीडियम रख के इनको भून लेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप गाजर मूली का अचार किस तरीके से बनाते हैं मुझे ज़रूर से बताइएगा, मैं आपकी कमेंट का इंतज़ार करूँगी। तो थोड़ा सा तेल कम था तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा तेल और ऐड कर दिया है। इसके साथ ही हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करेंगे। ध्यान देने वाली बात फ्रेंड्स ये है कि इसको आप किसी खुले बर्तन में ही 3 से 4 दिन रखिए, क्योंकि जैसे जैसे सब्जियां थोड़ा सा पानी छोड़ेंगी, गलेंगी, तो हो सकता हो इसका नमक या खटास कम या ज़्यादा हो, तो आप उसको अच्छे से अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। सीधे आप इसको जार या बर्नी में मत भरिएगा। तो हम इसको एक खुले बर्तन में निकाल लेंगे और उसके बाद जो है 2 से 3 दिन तक धूप में रखेंगे और जो है फिर यह अचार खाने के लिए तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा नमक कम था तो मैंने यहाँ पर नमक और ऐड किया है और थोड़ा सा हमने 1.5 से 2 चम्मच सिरका और डाला है खटास के लिए। बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ गया है, तो ज़रूर से ट्राई करिए ये रेसिपी और फिर मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो बस 3 से 4 दिन में ये अचार बिल्कुल खाने वाला हो जाएगा। वैसे तो आप अभी भी खा सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा जो गाजर और मूली वगैरह है उन्होंने अपना फ्लेवर नहीं अचार में छोड़ा है, तो 2 से 3 दिन में ये अपना फ्लेवर भी छोड़ देंगे। तो बहुत ही टेस्टी अचार की ये रेसिपी है, ज़रूर से ट्राई करिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे पेज को फॉलो कर दीजिएगा। हमारी रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए। तो देखिए, अब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और बस इसको हमने पलट लेना है और इसको धूप में छोड़ देना है। तो मुझे आज्ञा दीजिए, मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के।